बिना हाल बंद किए अगर बैठे रहें तो उसका मतलब है हाल बंद कर देने से तो कुछ काम बनेगा नहीं। मैं एक बात अपनी बात शुरू करूं उससे पहले प्रोफेसर धानी साहब ने आर्यभट्ट के विषय में बताया और लोगों के विषय में हिस्ट्री के विषय में हिस्ट्री अपने विषय में मेरा मुझे तकलीफ होती है कि आर्यभट्ट के विषय में आर्यभट्ट का नाम तो हर व्यक्ति जानता है लेकिन आर्यभट्ट के कार्य क्या हैं उनको क्यों याद रखा जाना चाहिए उनको क्यों आदर मिलना चाहिए बहुत कम लोग जानते हैं। मैं केवल स्टूडेंट की बात नहीं करता मैं प्रोफेसर की बात करता हूँ उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि आर्यभट्ट ने किया था ये जानते हैं कि आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया क्यों उनको याद किया जाना चाहिए अगर कुछ काम किया होगा तभी तो याद किया जाना चाहिए। हमारे प्रोफेसर धानी साहब ने बहुत चीज़ें उनके विषय में बताई जो कि जानना चाहिए हर व्यक्ति को जानना चाहिए क्योंकि हम लोगों को तो जानना ही चाहिए इस देश के लोगों को। उसमें थोड़ा समय और ऐड करना चाहता हूँ जिनके कार्यों में विशेष रूप से एक तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था तो एक कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने सबसे पहले इस बात को कही कि पृथ्वी हमारी गोल है। उन्होंने गोल को नहीं कहा सरथा वृत्तो इस तरह से कहा कि मैंने वृत्त की तरह से चारों ओर से वो वृत्त की तरह है मैंने कुछ आप समझ सकते हैं कि इस गोल की ओर ही इशारा है ये उन्होंने लिखा है अपने किताब में यही जो अभी आपने जो उनके आर्यभट्टीय जो उनकी किताब है उसके विषय में उसी में लिखा हुआ है कि वो पृथ्वी चारों ओर से गोल है। उसके पहले हमारे यहाँ ये था कि पृथ्वी चपटी है गोल नहीं और सारे कैलकुलेशंस इसी पर थे कि चपटी है। आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे हमारे देश में जिन्होंने हिम्मत किया ये कहने के लिए कि पृथ्वी गोल है। हालांकि उनकी अब बहुत कुछ चीज़ें मुश्किल हुई क्योंकि हमारा जो जनमानस है भारतवर्ष का वो मानने के लिए तैयार नहीं था इसको गणतंत्र के लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं थे ब्रह्मगुप्त तैयार लोग उसके बाद फिर लोग नहीं माने उस बात कि पृथ्वी गोल है लेकिन उन्होंने कहा था और उनकी राय में लिखा। तो ये दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट उनके विषय में मैं कर सकता हूँ वो ये है कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सबको धारण करती है जैसे फूल हैं पत्ते हैं वृक्ष हैं सबको हम सबको वो धारण कर रही है यानी वो अपने को खींच रही खींचे हुए तो सम सार्ट ऑफ इंडिकेशन अबाउट ग्रेविटेशन उन्होंने दिया वो भी उसी किताब में लिखी हुई है आर्यभट्टीय जिसको कहते हैं। तीसरी बात जो उनके विषय में बहुत सारी कक्षा में बातें बता दी मैं केवल उन दो तीन बातों को बताना चाहता हूँ। तीसरी बात उनके में एक देखने को मिलती है कि उन्होंने उस समय तो सभी चीज़ें जो हैं वो श्लोकों के माध्यम से ही बताते थे मैथमेटिक्स पूरी उसी तरह से थी। उसमें होता क्या था कि संकेतों में बताए जाते हैं इसके जैसे दो कहना है एक को बता दिया चक्षु या कर्ण एक कहना है बोल दिया आकाश इसी तरह से अगर पांच कहना है तो उंगली का इशारा किया इस तरह से सारे जो ये हमारे नंबर्स थे उनके लिए शब्दों के प्रयोग होते थे। आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंकों के लिए अच्छा इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था एक ही अंक के लिए कई कई शब्द यूज होते थे। दूसरी बात यह है कि जब कोई बहुत बड़ी राशि लिखनी होती थी तो इनको मिला के कॉम्बिनेशन बनाने में बड़े बड़े श्लोक एक 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 नंबर लिखना था बड़ा कोई बड़ा नंबर तो पता चला कि पूरा एक पेज का एक श्लोक उसके लिए आ रहा है। इस बात को उन्होंने रियलाइज किया और उन्होंने अक्षरों के माध्यम से
अंकों को लिखना शुरू किया। उन्होंने जैसे कि क क ग भाई हमारे नंबर्स थे, उनको एक दो तीन क्रम में वाते हैं, वो नंबर्स उनको दे दिए, अलॉट कर दिए। दूसरा ये है कि जो स्वर हैं या इस समूह के लिए भी वो 10 के मल्टीपल्स में उनके लिए नंबर असाइन किए गए। और फिर बड़े बड़े जो नंबर थे उनको छोटे छोटे लिखने में उनको सफलता मिली, जिससे कि अगर मान लीजिए लाख में भी कोई नंबर है, लाख में, करोड़ में, ऐसे उसके लिए पता चला कि छोटे तीन चार शब्दों से ही वो काम चल जाता था। और उसके लिए उन्होंने ग्रामर भी डेवलप की कि कैसे शब्दों से उसके संयोग से और अंग कैसे बनाए जाएंगे। ये लिया, ये बहुत क्रांतिकारी कदम था। और आर्यभट्ट के इस कार्य को मैं बहुत सराहना करता हूँ, ये बहुत बड़ा कार्य। और वैसे तो उनके बहुत सारे कार्य हैं और मैं समझता हूँ कि एक लेक्चर या दो लेक्चर उसके लिए सफिशियंट नहीं है। दानी साहब ने बहुत अच्छा उनके विषय में बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और पहले तो मैं नहीं सुन सका था, ये मैं अब अच्छा शून्य का जहाँ तक है, शून्य के विषय में मैं समझता हूँ कि शून्य की जो अवधारणा है वो ऋग्वेद से, ऋग्वेद में शून्य की अवधारणा है। लेकिन इसके बाद जो छंद शास्त्र है, पिंगल का छंद शास्त्र, उसमें भी इसके लिए ये इंडिकेशन है कि शून्य का कुछ रूप, रूपे शून्यम उसमें लिखा गया है, जिस श्लोक में एक जगह रूपे शून्यम, यानी शून्य का कोई रूप है उनके दिमाग में कोई रहा होगा उस समय। लेकिन शून्य नंबर के रूप में जो गोल जिस रूप में उनको लिखा जाता है, ये जिसके जब उस तरह से शून्य को लिखा जाने लगा तब उसका महत्व बढ़ गया, क्योंकि उससे फिर तो संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं बनने लगी। तो वह जो शून्य एक गोले के रूप में जिसे कहें, जिसको कि आप कह सकते हैं जैसे डॉक्टर ने कहा कि नंबर के रूप में उसको लिया गया, तो इसका कार्यकाल जहाँ तक हमने पढ़ी है हमको ऐसा लगता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास, ऐसा मानते हैं पाश्चात्य जो जगत है वो उसको मानता है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास शून्य को इस रूप में अंगीकार किया गया होगा। अब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, और शून्य का आविष्कार किसने किया, अभी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं, उसमें लिखा रहता है शून्य का आविष्कार किसने किया, और उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आर्यभट्ट का भी रहता है, और बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी इस तरह से आ रहे हैं और लोग मान रहे हैं कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, जबकि सत्य नहीं है। शून्य का आविष्कार किसने किया या किसी को पता नहीं, क्योंकि आर्यभट्ट के पहले जितने भी हमारे ऋषि और मैथमेटिशियंस हुए हैं, इवन जो हमारे सूर्य सूत्रों के जो रचयिता हैं, उन्होंने भी कहीं ये नहीं लिखा कि मैं यह सूत्र दे रहा हूँ। सूर्य सूत्रों को उन्होंने लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा। कोई भी कार्य भारतवर्ष में जो हुए उसमें ये नहीं लिखा गया कि किसने किया, किसी ने जिसने भी किया उसने अपना नाम नहीं जोड़ा। उसके विषय में काफी एनालिसिस हुई है, और ये कहना है लोगों का कि इस देश में लोगों का ऐसा विश्वास, रामानुजन भी कदाचित उसी परंपरा के थे, अगर उसका देखें तो वो कहते थे कि भाई हम ये नहीं कर रहे हैं, हमारी देवी, लोग कहते हैं हमारी देवी बता जाती है और मैं लिख लेता हूँ, अरे वो नहीं कर रहे, बस वह वही कर रहे थे, फैक्ट यही है। इसी तरह से जो हमारे पूर्व जो ऋषि थे उन्होंने बिफोर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के पहले वो लोग अपना नाम नहीं जोड़ते। उसके विषय में काफ़ी एनालिसिस के बाद कुछ लोग इस डिस्कस पर पहुंचे हैं कि हमारे यहाँ की ये परंपरा थी कि हम ये मानते थे कि जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे ईश्वर की शक्ति, ईश्वर ही ये आदेशित करता है कि हम कोई कार्य करें, और इसलिए अगर ईश्वर ने हमसे कोई कार्य कराया
वो चाहे तो यही कार्य दूसरे से भी करा सकता था, उसने हमको चुना इसलिए हम भाग्यशाली हैं। फिर उसने हमारे नाम जुड़ने का औचित्य क्या है, फिर नहीं जुड़ना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने किसी ने नाम नहीं लिखा। अभी आपने मैंने ये कहा कि आर्यभट्ट के पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाम जोड़ा। सोलह सूत्रों में सोलह सूत्रों के वो चरण थे, सोलह सूत्रों को उन्होंने लिखा है, यह परंपरा की बात है, वो पहले से चली है। सोलह सूत्र जो है उतने ही पुराने नहीं है। ईश्वर का नाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर के नाम जोड़ने की बात मैंने, किसी ने ईश्वर का नाम नहीं जोड़ा। ये काम मैं कर रहा हूँ ईश्वर का नाम। वो ऐसा मानते थे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें ईश्वर की भूमिका है, ईश्वर हमसे ही कराना चाहता है। उन्होंने ईश्वर का नाम थोड़े जोड़ा, ईश्वर का नाम कहीं नहीं जोड़ा। आपका कहना है नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की एनालिसिस है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। नहीं, ईश्वर का कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ईश्वर का कहना है ये कहीं नहीं लिखा है, ये तो मैं कह रहा हूँ। ये थोड़े कहा है कि ईश्वर ये भी नहीं है कि ईश्वर हमें प्रेरणा दे रहा है, ऐसा भी नहीं है। नहीं, ये ऐसा है ना, नहीं वो भी नहीं, नहीं 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 नहीं, ये ईश्वर प्रेरणा नहीं। तो नहीं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए सोलह सूत्रों की जहाँ तक बात है, मैंने भी सोलह सूत्रों के विषय में पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन सोलह सूत्र जो हैं उन ऋषियों ने लिखे हैं, ये सत्य है, उनकी ओरिजिनल रचना नहीं है। वो सोलह सूत्र ट्रेडिशंस में थे, उनको उन्होंने लिपिबद्ध किया, उन्होंने लिखा, ये बात सही है। इसलिए वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, ये भी नहीं कहा कि भगवान ने किया है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने नहीं किया, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ भगवान ने, इसी ने इस बात को नहीं कहा है। वही हम कह रहे हैं कि भगवान के पास नहीं है। अच्छा वैसा है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, वो एनालिसिस है। आप सोचते हैं क्या सोचते हैं, किसी ने देखा नहीं है। बहुत सारी चीजें पुरानी, वो समय लिखने की प्रथा नहीं थी, उस समय से हिस्ट्री चली आ रही है। परंपरा में आकर्षित नहीं लेते थे परंपरा। वही मैं बात कहना चाहूँ, ये हमारे देश की परंपरा थी। कदाचित आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम के साथ उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ। जिन्होंने ये पहले व्यक्ति थे आर्यभट्ट जिन्होंने इस तरह से उठाया, और ये क्रांतिकारी कदम, ये क्रांतिकारी कदम कदम। तो उन्होंने अपना नाम जोड़ा, अपने विषय में बताया, उसी में अपने विषय में बताते हैं, अपना नाम जोड़ते हैं ये। और जो हमारी मान्य परंपराएं थी उनके खिलाफ भी बोलते हैं। जो मान्य परंपराएं, जैसे मान्य परंपराएं तो हमारे कुछ भी बोल रही है, चपटी है, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ऐसी हमारी अमान्यता थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, उसी उसी जो आर्यभट्टीय में लिखा हुआ है, कि जिस तरह से हम पश्चिम से पूरब की ओर नाव पे बैठ के नदी में चलते हैं, तो जो पेड़ नदी के किनारे जो खड़े पेड़ हैं वो पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं, उसी तरह से सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य घूम रहा है। इसको सबसे पहले आर्यभट्ट ने समझाया, उसी आर्यभट्ट ने। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन है। और इस प्रकार से हमको ऐसा लगता है कि आर्यभट्ट जो है इस मामले में क्रांतिकारी व्यक्ति थे, क्रांतिकारी गणतज्ञ थे, जिन्होंने दो काम एक हिम्मत उन्होंने जुटाया और बोला। उनके उनकी बड़ी इसके लिए क्रिटिसिज्म हुई, लेकिन अंततः आज हम उसको मान रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक तो उन्होंने ये बताया, दूसरा अपना नाम लिया, अपने काम को कहा ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, इसका लेखक मैं, इस तरह से उन्होंने किया। इसके पहले ये परंपरा नहीं है।
लेकिन ये तो मैं केवल डॉक्टर साहब जो लोग बोल रहे थे इसी पर मैंने कहा, मैं ज्योमेट्री के विषय में कुछ करना चाहता हूँ, ज्योमेट्री का क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट ज्योमेट्री में है। और मैं ये कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा उद्देश्य है कि गणित जो विद्या है वो सब विद्याओं से इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रही है। पाश्चात्य जगत के भी जो विद्वान हैं, चाहे हमारे यहाँ के विद्वान पुराने विद्वान हों, हर जगह गणित की महिमा का वर्णन है, हमारे देश में भी और पश्चिमी देशों में। उसका क्या कारण है? हमको ऐसा लगता है कि जब मनुष्य इस संसार में जब आया होगा, उसने आर्थिक बुद्धि होगी, तो सबसे पहले उसने पेड़ों को देखा होगा, आकाश में भ्रमण करने वाले तारों को देखा होगा, पक्षों को देखा होगा, फूलों को देखा होगा, क्योंकि एनवायरमेंट में तो यही सब थे। तो उसका सबसे ये सारे जो हैं किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप में हैं, जो वृत्ताकार पर है, आकाश में तक घूमने वाले जो पिंडों के या पत्तियों के या फूलों के या पेड़ों के, सभी किसी न किसी ज्योमेट्रिक शेप में हैं, ज्योमेट्रिक शेप में हैं। और धीरे धीरे उसने इसी ज्योमेट्रिक शेप्स को अपने विभिन्न कार्यों में उसका उपयोग किया। उसने अपने को बचाने के लिए जो अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में उनका उपयोग किया, अपने जंगली जानवरों से बचने के लिए घरों के निर्माण में उसी का उपयोग किया। इसके अलावा उसने अपने कृषि यंत्रों में उसका उपयोग किया। इस तरह से विभिन्न अपने लिए उपयोगी कार्यों को करने में, क्योंकि परिचित केवल ज्योमेट्री जो ज्योमेट्रिक शेप से ही था, इसलिए इसी का उपयोग किया सबसे ज्यादा। और उसके बाद जब वो थोड़ा और सभ्य हुआ तो उसने उसका उपयोग अपने को सजाने संवारों संवारने के लिए किया, आभूषणों के निर्माण में उसका किया। और सभ्य हुआ तो धर्म कर्म के कृत्यों में भी, जो जैसा कि शूल सूत्रों की बात कही गई, उसमें भी ज्योमेट्री का उपयोग किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योमेट्री मनुष्य का सबसे पुराना साथी है। किसी भी विद्या के जाने से पहले उसका साक्षात्कार ज्योमेट्री से हुआ, और बाद में विभिन्न सभ्यताओं में हम ये देखते हैं ये बात, ये सब जगह पे चलती है। लेकिन जो ज्योमेट्री नाम आया, जिसको ज्योमेट्री कहा गया, जियोमेट्री भूमापन से जिसका संबंध है, ज्योमेट्री की शुरुआत जो पश्चिमी जो इतिहासकार मानते हैं कि 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ, वो मिस्र से हुआ। वह मिस्र जो कि नील नदी के तट पर बसा हुआ था वह क्षेत्र, और उसी नील नदी के कारण उस देश का नाम, उस भूभाग का नाम मिस्र पड़ा। इजिप्ट, इजिप्ट का शाब्दिक अर्थ ब्लैक मड होता है, और नील नदी का जो बाढ़ आती थी, जो मिट्टी आती थी, वो ब्लैक होती थी, इसीलिए उस स्थान का, उस पूरा पूरे भूभाग का नाम इजिप्ट पड़ा। इजिप्ट का जो शाब्दिक अर्थ है ब्लैक, काली मिट्टी। तो उस मिस्र में जो, चूंकि वो बहुत ही उपजाऊ भूभाग था, वहाँ के जो राजा ने सब लोगों को रेक्टेंगुलर प्लाट्स वितरित किए, और उसके बदले में कुछ टैक्स लिया, टैक्स करके व्यवस्था की। लेकिन उसके बाद एक सेटलर, नील नदी की बाढ़ आई, वो प्लाट्स कट गए। एक सेटलर ने कहा कि भाई हमारा तो प्लाट कट गया जो आपने दिया, तो हमको तो टैक्स इतना नहीं देना चाहिए, बताइए। तो राजा ने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
और उसने वहाँ के जो कुछ बुद्धिमान लोग थे उनका एक कमीशन बनाया कि आप ये बताइए कि इसका कौन सा पार्ट इसका माफ कर दिया जाए टैक्स का। और उन लोगों ने जो जो भी तरकीब निकाली और जिस तरह से उसका एक तरह से सर्वे किया और सर्वे करके और ये बताया कि यह कितना उचित होगा इसका टैक्स माफ करना, और ऐसा ही हुआ। और उसी समय से यह जो ज्योमेट्री जो नाम पड़ा उसी समय से पड़ा, और उस देश में ज्योमेट्री कितनी फली फूली कितना आगे बढ़ी यह तो दुनिया जानती है। पिरामिड्स का जो निर्माण है वो साधारण आदमी नहीं कर सकता, उसमें कितनी ज्योमेट्री लगी हुई है। लेकिन उसके बाद उसी के बगल में जो मिस्र के ही बगल में जो दूसरा स्टेट था जो जैसे वो ग्रीस कहते हैं यूनान ग्रीस था, जो कि उतना डेवलप नहीं था। ग्रेट मिस्र बहुत डेवलप हो गया और ग्रीस बहुत कम डेवलप था उसे। और वहाँ के एक व्यापारी जिसको कि सभी जानते हैं हम लोग फेरस जिसका नाम था, वो अक्सर मिस्र के व्यापार के लिए जाते थे और वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे क्योंकि उनको वन ऑफ द सेवन वाइज मैन ऑफ ग्रीस कहते फेरस। उन्होंने ये सोचा कि आखिर हमारा देश यह देश इतना आगे क्यों है और हमारा देश इतना पीछा क्यों है, इतना पीछे क्यों है। इस पर उसने काफ़ी चिंतन किया और चिंतन करके वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा। अब वो निष्कर्ष आज आप कह सकते हैं कि वो निष्कर्ष सही नहीं हो सकता है, लेकिन उसका जो निष्कर्ष था वह मैं बता रहा हूँ, वो हमारा निष्कर्ष नहीं है, वो उसका निष्कर्ष था। फेल्स ने कहा कि वहाँ के लोग एक विद्या जानते हैं जिस विद्या के कारण ही वह देश इतना संपन्न है और इतना आगे बढ़ा हुआ है, तो क्यों ना हम उस विद्या का प्रचार अपने देश में करें ताकि हमारा देश भी आगे बढ़ जाए। और उसने ठान लिया और उसने एक स्कूल की स्थापना अपने यहाँ की जिसको आर्मी स्कूल कहते हैं, उस स्कूल की स्थापना की। और उसमें जो उसको बुद्धिमान माने कुछ अच्छे लड़के जो देखते थे जिसमें उसको समझ उसके समझ में जो आता था कि इसके अंदर पोटेंशियल है उसको ले आके अपने यहाँ उस स्कूल में पढ़ाने लगा। और वो विद्या क्या थी, वह विद्या थी ज्योमेट्री। उसने अपने रिसर्च में पाया कि ज्योमेट्री ही वह विद्या है जिसके कारण वह देश संपन्न है और हम उतने संपन्न हैं। और उसने ज्योमेट्री की पढ़ाई के लिए स्कूल बनाया, उसके बहुत सारे शिष्य हुए। उसने ज्योमेट्री के जो जहां तहां जो स्टेटमेंट थे सबको एकत्र किया और जो उसमें दो शिष्य मुख्य रूप से उसके उसको उनका नाम जादे है और कुछ शिष्य जो हुए हुए जिसमें कि एक था इनाक्सी मिंडर जिसको ये पता नहीं था कि हमारी जो पृथ्वी है उसका स्वरूप क्या है, उसका एक्चुअल शेप क्या है, न उसको पता था न फेल्स को पता था। एक कहता था कि यह तस्तरी की तरह से है और आकाश में तैर रही है, दूसरा कहता था कि नहीं ये लट्ठे की तरह से है और लट्ठे के एक सिरे पर हम लोग रहते हैं, दूसरे पर दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं। तो उन लोगों को ये पता नहीं था कि एक्चुअल पृथ्वी का रूप क्या है, जो शेप क्या है। लेकिन इनाक्सी मिंडर ने पहली बार एक मैप इस पृथ्वी का एक मैप बनाया, इसीलिए इनाक्सी मिंडर को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इनाक्सी मिंडर वो फेल्स का शिष्य था, उसी स्कूल का उत्पादक था। और दूसरा जो प्रोडक्ट था वो पाइथागोरस, जो कि काफी दिन तक उस स्कूल में रहा। और उसके बाद फेल्स ने ये कहा कि अब और ज्यादा जानना चाहते हो ज्योमेट्री तो तुम चले जाओ मिस्र। और वहां से वहां वो काफी दिन तक रहा, लेकिन 50 वर्ष की उम्र में वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उसको कंपेल थी कि उसको वहाँ से हटना पड़ा और जाके उसने साउथ इटली के क्रोटोना शहर में जिसको आप क्रोटोन कहते हैं उस शहर में अपना स्कूल खोला जिसको कि पाइथागोरियन स्कूल कहते हैं। और उस स्कूल ने बहुत काम किया और बहुत विषयों में काम किया, लेकिन विशेष रूप से वह फिलासफी और मैथमेटिक्स का स्कूल था। उसकी दृष्टि से फिलासफी इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है और मैथमेटिक्स जो है
माने फिलॉसफी इष्ट है जिसको जानना चाहिए, जानना योग्य ज्ञान है, और मैथमेटिक्स इज द वे टू नो फिलॉसफी। उसके लिए मैथमेटिक्स जो है एक मेथड था जिसके द्वारा हम फिलॉसफी का अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन करेंगे। वो उसके दिमाग में, उसने मैथमेटिक्स को बहुत सम्मान दिया। उसने ये कहा कि संसार के जो भी हमारे संबंध हैं वो भी इन नंबर्स मैथमेटिक्स के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, मैथमेटिक्स के टर्म में व्यक्त किए जा सकते हैं। मित्रता और शत्रुता और इत्यादि जो भी हैं हमारे रिलेशन से उनको कर सकते हैं। इसके अलावा उसने एक और बात कही, एक्चुअली उसने कही या नहीं कही ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उस स्कूल का जो नियम ऐसा है, ऐसा था कि जो भी व्यक्ति उसके अंदर जाएगा जो भी काम करेगा उसको पहले ही शपथ लेनी पड़ती थी कि वो रिवील नहीं करेगा व्यक्तिगत रूप से, और उसका सारा श्रेय पूरे स्कूल को जाएगा। इसे ये ठीक पता नहीं चलता कि किसने क्या कहा, लेकिन हम मानते हैं कि पाइथागोरस का स्कूल था इसलिए उसका नाम हम ले रहे। तो उसने एक और काम किया, उसने कहा कि हमारे ज्ञानेंद्रियों के साक्ष्य तर्क के साक्ष्य से कमजोर है, हमारे ज्ञानेंद्रियों के साक्ष्य तर्क के साक्ष्य से कमजोर है, इसलिए हम किसी भी स्टेटमेंट को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जो हम ज्ञानेंद्रियों के मदद से जो स्टेटमेंट जानते हैं उनको हम तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उसका एक डिडक्टिव प्रूफ ना हो, और प्रूफ की परंपरा उसने शुरू की। उसने समझाया कि भाई पृथ्वी जो है लगता है कि आकाश से कहीं जाके मिल रही है, हमारी ज्ञानेंद्रियां यही कर रही है, लेकिन ये सत्य नहीं। ये देख रहे हैं कि जैसे आज ही मान लिया हम देख रहे हैं कि रेल की पटरियां कहीं जाके आगे मिल जा रही, लेकिन ऐसा मिलती तो है नहीं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है उनके साथ कमजोर है तर्क के साथ, इसलिए प्रूफ इम्पॉर्टेंट है हर स्टेटमेंट का। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल उनके पास स्टेटमेंट थे जो अनुभव के आधार पर, जो ज्योमेट्री अभी तक अनुभव जनित थी, अनुभव के आधार पर थी, ये चीज ये स्टेटमेंट यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, इसका मतलब सही है, इस उस उन स्टेटमेंट्स को तर्क के साथ के द्वारा प्रूफ करने की कोशिश की, और प्रूफ की पर। इसके अलावा उसने जो एक वायर को स्ट्रेच करके उनके डिफरेंट पॉइंट पर छेड़ने से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन स्वरों में कौन जो है कौन कौन मूल स्वर हैं उसकी खोज की, और उसने पाया कि 8 मूल स्वर हैं जिनको ऑक्टेव कहते हैं। हमारे यहाँ तो 7 मूल स्वर हैं, सारे गामा उसमें 8 मूल स्वर, इन मूल स्वरों की खोज भी उसने की, और ये पाया कि उनके जो डिस्टेंसेज हैं वो एक निश्चित प्रोग्रेशन में है, जो पहले से लोगों को पता था उस प्रोग्रेशन के विषय में पहले से लोगों को पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि ये जो दूरियां ये प्रोग्रेशन में आ रही हैं ये इनका हार्मोनिक से संबंध है, ये नहीं पता था, इसीलिए उसका नाम उस समय हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया, जो आज भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो और म्यूजिक इसी के कारण से पाइथागोरस को फादर ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक भी कहते हैं, ये भी उसका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये भी उसका एक था कि उसने करिकुलम, दुनिया का पहला करिकुलम पेश किया कि एक व्यक्ति को कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, उसका करिकुलम क्या होना चाहिए। उसमें कहा सबसे पहले एरिथमेटिक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, दूसरा म्यूजिक हर व्यक्ति को जानना चाहिए, तीसरा ज्योमेट्री जाननी चाहिए, और चौथा सब सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी जानना चाहिए। ये 4 विद्याएं हैं जिनको हर व्यक्ति को जानना चाहिए, ये करिकुलम का पार्ट है, इन करिकुलम को 4 पार्ट्स में उसने बांटा है। यह भी उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और मैथमेटिक्स वर्ड ही पॉइंट किया उस स्कूल ने सबसे पहले, यह भी था उस स्कूल ने सबसे पहले, उसके पहले मैथमेटिक्स वर्ड नहीं सुनने को आता है, पहली बार मैथमेटिक्स वर्ड उसने पॉइंट किया। 3 मिनट
ऐसा है कि इसके बाद जो दूसरा स्कूल आता है, हमने इसके विषय में दूसरा जो एक तीसरा स्कूल भी वहाँ पर पाइथागोरस ने ग्रीस का था, जो इम्पोर्टेंट है, वह एक्चुअली वह समय था जब बुद्ध की टीचिंग आ रही थी, मौत्से की टीचिंग आ रही थी, सुकरात की आ रही थी, और हमारे जो हमारे भी संस्कृति में जीवन मूल्यों मूल्य क्या है इस पर डिस्कशन हो रहे थे। मैंने एक पॉयस वातावरण था, उसमें एक बच्चे का जन्म हुआ जिसको प्लेटो कहते हैं, और वो सॉक्रेटिस के शिष्य के रूप में सभी दुनिया जानती है। उस वो उसका एम्बिशन था राजा बनना, राजनीति में जाना, लेकिन 399 BC में उसने जब सॉक्रेटिस का देहांत हो गया तो उसने तय कर दिया कि अब मैं राजनीति में जाऊंगा, और 12 वर्ष तक वो घूमता रहा, और 12 वर्ष तक घूमने के बाद वो एथेंस पहुंचा। एथेंस से जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा एक बहुत खूबसूरत बाग है जिसका नाम एकेडमिया है। वो एकेडमॉस नाम के व्यापारी ने उसको लगवाया था, और उसके मरने के बाद उसी के नाम पर उसका नाम एकेडमिया पड़ गया। उसको देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया, उसको लगा कि इससे बढ़िया हमारे टीचिंग के लिए स्कूल खोलने के लिए और कोई जगह हो नहीं सकती। तो उसने अपने शिष्यों से कहा कि मैं एक लेक्चर देना चाहता हूँ, और उसका टॉपिक होगा द गुड, अच्छा क्या, आप लोग इसका प्रचार करिए कि प्लेटो एक लेक्चर दे। वह बहुत सारे लोग मुझे आप सोच सकते हैं कि प्लेटो लेक्चर दें और वो भी गुड पर बोले तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। बड़ी भीड़ हुई, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, और उनका भाषण शुरू हुआ। एक घंटे भाषण हुआ, रूप नहीं आया, लोग बहुत दुखी हुए कि हमको गुड पर सुनने के लिए बुलाया गया लेकिन गुड पर तो ये सुना भी नहीं है। लेकिन लोगों ने सोचा शायद ये इंट्रोडक्शन हो, अभी गुड आगे आने वाला। एक घंटा और बीत गया, लेक्चर खत्म हो गया, गुड नहीं आया, लोग बहुत नाराज हुए और उनके शिष्यों को पकड़े, भाई आपने तो कहा था कि गुड पर बोलेंगे, तो गुड पर बोल नहीं रहे, हम लोगों को क्यों आपने बेवकूफ बनाया। तो यह बात वो लोग गए प्लेटो के पास, प्लेटो से कहा सर आप तो यहाँ स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग तो हम लोगों के खिलाफ हैं, बहुत नाराज हो गए हैं, अब क्या किया जाएगा। क्यों नाराज है, उन्होंने बताया इसलिए नाराज है क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि प्लेटो गुड पर बोलेंगे, और उन्होंने कहा तो मैं गुड पर ही तो बोल रहा था, क्या मैं गुड पर नहीं बोल रहा, मैं गुड ही पर तो बोल रहा था 2 घंटे से। उन्होंने कहा नहीं सर आप गुड पर नहीं बोल, आप तो ज्योमेट्री पर बोल रहे थे। तो कहा अरे इस संसार में वही तो गुड है, उससे भी बड़ा कोई गुड है, वही तो गुड है संसार में, ज्योमेट्री से बढ़कर कोई गुड नहीं। ये उसका परसेप्शन था मैथमेटिक, वो तो ज्योमेट्री इसलिए कि ज्योमेट्री वर्ड उस समय प्रचलित था, मैथमेटिक्स सभी वर्ड इतना प्रचलित नहीं हुआ था, लेकिन आप उसी ज्योमेट्री को आप मैथमेटिक्स समझ लीजिए। तो उसने कहा वही तो गुड है संसार में, इसी में बड़ा गुड कोई है। खैर जैसे तैसे बात खत्म हुई, दूसरे दिन जैसे ही अपना स्कूल खोला, पहले गेट पर लिखवा दिया जो ज्योमेट्री नहीं जानता वो उसके अंदर प्रवेश न करे। लोग और नाराज हो गए, भाई ये क्या हो गया, भाई जो ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री में कौन ऐसी खास बात है, जो ज्योमेट्री नहीं जानता वो एंटर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ क्यों है। लेकिन कोई जवाब भीड़ में कौन जवाब देता है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तब जो वो खुद उसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं इसलिए कि उसके पास मस्तिष्क है, एक विकसित मस्तिष्क है, वो अन्य जीवों में नहीं है इसके पास। और जो ज्योमेट्री है वो माइंड का रिफाइनमेंट करती है, तो रिफाइंड माइंड की हर व्यक्ति को जरूरत है। जिसका माइंड रिफाइंड नहीं होगा हमारी बातों को कैसे समझेगा। इसलिए मैंने लिखा कि ज्योमेट्री नहीं आता इसके अंदर प्रवेश, और उसके बाद आगे ऐड किया ज्योमेट्री हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, और उसको तो जरूर ही पढ़नी चाहिए जिसको देश का नेतृत्व करना, जिसको देश का नेतृत्व करना हो उसको तो निश्चित रूप से ज्योमेट्री पढ़नी चाहिए। और ये इतिहास में आता है कि जब अब्राहम लिंकन 40 वर्ष की उम्र में जब उनको
देश का नेतृत्व करने के बाद सूची को उनके दिमाग में वो प्लेटो की बात याद आई और 40 इयर्स की एज में उन्होंने न्यूक्लियर की जो डेवलपमेंट बुक थी उसका उसने बहुत सारे पार्ट्स को मास्टरी की। वो कहते हैं एक दिन हमको रीड करना था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रीड करूँ और तो इस पर मैं बहुत परेशान था। बाद में उनको पढ़ने की बात याद आई कि ज्योमेट्री माइंड का रिफाइनमेंट करता हूँ, मैंने ये एलिमेंट के पन्नों को पलटना शुरू किया और कुछ ही देर में मुझे ये आकर कर गया कि किस तरह से हमको प्रीट करना, ये प्रभाव मिलकर देखते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ज्योमेट्री और ज्योमेट्री नहीं मतलब आज तो उसको मैथमेटिक्स मानिए क्योंकि ज्योमेट्री तो इसलिए कि मैथमेटिक्स वर्ड प्रचलित नहीं था लेकिन वो मैथमेटिक्स ही था, तो मैथमेटिक्स हर व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है, आज भी जरूरी है। और अगर ध्यान दें तो हर सब्जेक्ट में अब मैथमेटिक्स की उपयोगिता दिखने लगी है और जैसे जैसे समय बीत रहा है और इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जो बायोलॉजी जिसके विषय में हम लोग सोचते थे ये गणित से कुछ अलग विषय है, आज उसमें इतनी मैथमेटिक्स आ गई है और विभिन्न विषयों में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में गणित जा रही है और वह दिन दूर नहीं जब ज्ञान के सभी ज्ञान के क्षेत्रों में गणित का दखल बढ़ जाएगा। और मेरे दृष्टि में क्योंकि तो समय कम है इसलिए मैं यही बंद करता हूँ इसको, और मेरे दृष्टि में गणित जो है वो वस्तुतः सर्व ज्ञान की आत्मा है। प्रोफेसर पांडे का बहुत ही रोचक भाषण। इसके अलावा उसने जो एक वायर को स्ट्रेच करके उनके डिफरेंट पॉइंट पर छेड़ने से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन स्वरों में कौन जो है कौन कौन मूल स्वर हैं उसकी खोज की और उसने पाया कि 8 मूल स्वर हैं जिनको ऑक्टेव कहते हैं, हमारे यहाँ तो 7 मूल स्वर हैं सारे गामा उसमें 8 मूल स्वर, इन मूल स्वरों की खोज भी उसने की और ये पाया कि उनके जो डिस्टेंसेज हैं वो एक निश्चित प्रोग्रेशन में है, जो पहले से लोगों को पता था उस प्रोग्रेशन के विषय में पहले से लोगों को पता था लेकिन यह नहीं पता था कि ये जो जो दूरियां ये प्रोग्रेशन में आ रही हैं ये इनका हार्मोनिक से संबंध है, ये नहीं पता था, इसीलिए उसका नाम उस समय हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया जो आज भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो और म्यूजिक इसी के कारण से पाइथागोरस को फादर ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक भी कहते हैं, ये भी उसका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वो ये भी उसका एक था कि उसने करिकुलम दुनिया का पहला करिकुलम पेश किया कि एक व्यक्ति को कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, उसका करिकुलम क्या होना चाहिए। तो उसमें कहा सबसे पहले एरिथमेटिक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, दूसरा म्यूजिक हर व्यक्ति को जानना चाहिए, तीसरा ज्योमेट्री जाननी चाहिए और चौथा सब सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी ये जानना चाहिए। ये 4 विद्याएं हैं जिनको हर व्यक्ति को जानना चाहिए, ये करिकुलम का पार्ट है, करिकुलम को 4 पार्ट्स में उसके माना है। यह भी उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था और मैथमेटिक्स वर्ड ही पॉइंट किया उस स्कूल ने सबसे पहले, यह भी था उस स्कूल ने सबसे पहले उसके पहले मैथमेटिक्स वर्ड नहीं सुनने को आता है, पहली बार मैथमेटिक्स वर्ड उसने पॉइंट किया। 3 मिनट ठीक ऐसा है कि इसके बाद जो दूसरा स्कूल आता है हमने इसके विषय में नहीं उसको बातें तो बहुत हैं, दूसरा जो एक तीसरा स्कूल भी वहाँ पर पाइथागोरस ने ग्रीस का था जो इम्पोर्टेंट है, वह एक्चुअली वह समय था जब बुद्ध की टीचिंग आ रही थी, मौत्से की टीचिंग आ रही थी, सुकरात की आ रही थी और हमारे जो हमारे भी संस्कृति में जीवन मूल्य क्या है इस पर डिस्कशन हो रहे थे,
मैंने एक पॉयस वातावरण था, उसमें एक बच्चे का जन्म हुआ जिसको प्लेटो कहते हैं और वो सॉक्रेटिस के शिष्य के रूप में सभी दुनिया जानती है। उस वो उसका एम्बिशन था राजा बनना, राजनीति में जाना, लेकिन 399 BC में उसने जब सॉक्रेटिस का देहांत हो गया तो उसने तय कर दिया कि अब मैं राजनीति में जाऊँगा और 12 वर्ष तक वो घूमता रहा और 12 वर्ष तक घूमने के बाद वो एथेंस पहुंचा। एथेंस से जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा एक बहुत खूबसूरत बाग है जिसका नाम एकेडमिया है। वो एकेडमॉस नाम के व्यापारी ने उसको लगवाया था और उसके मरने के बाद उसी के नाम पर उसका नाम एकेडमिया पड़ गया। उसको देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया, उसको लगा कि इससे बढ़िया हमारे टीचिंग के लिए स्कूल खोलने के लिए और कोई जगह हो नहीं सकती। तो उसने अपने शिष्यों से कहा कि मैं एक लेक्चर देना चाहता हूँ और उसका टॉपिक होगा द गुड। अच्छा, क्या आप लोग इसका प्रचार करिए कि प्लेटो एक लेक्चर दे। वह बहुत सारे लोग जो थे, आप सोच सकते हैं कि प्लेटो लेक्चर दे और वो भी गुड पर बोले तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। बड़ी भीड़ हुई, बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उनका भाषण शुरू हुआ। एक घंटे भाषण हुआ, रूप नहीं आया। लोग बहुत दुखी हुए कि हमको गुड पर सुनने के लिए बुलाया गया लेकिन गुड पर तो नहीं सुना नहीं रहे। लेकिन लोगों ने सोचा शायद ये इंट्रोडक्शन हो, अभी गुड आगे आने वाला। एक घंटा और बीत गया, लेक्चर खत्म हो गया, गुड नहीं आया। लोग बहुत नाराज हुए और उनके शिष्यों को पकड़े, भाई आपने तो कहा था कि गुड पर बोलेंगे तो गुड पर बोल नहीं रहे, हम लोगों को क्यों आपने बेवकूफ बनाया। तो यह बात वो लोग गए प्लेटो के पास, प्लेटो से कहा सर आप तो यहाँ स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग तो हम लोगों के खिलाफ हैं, बहुत नाराज हो गए हैं, अब क्या किया जाएगा। क्यों नाराज है बताया, इसलिए नाराज है क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि प्लेटो गुड पर बोलेंगे और उन्होंने कहा तो मैं गुड पर ही तो बोल रहा था, क्या मैं गुड पर नहीं बोल रहा, मैं गुड ही पर तो बोल रहा था दो घंटे से। उन्होंने कहा नहीं सर आप गुड पर बोल, आप तो ज्योमेट्री पर बोल रहे थे। कहा अरे ये संसार में वही तो गुड है, उससे भी बड़ा कोई गुड है, वही तो गुड है संसार में, ज्योमेट्री से बढ़कर कोई गुड नहीं है। ये उसका परसेप्शन था मैथमेटिक, वो तो ज्योमेट्री इसलिए कि ज्योमेट्री वर्ड उस समय प्रचलित था, मैथमेटिक सभी वर्ड पर इतना प्रचलित नहीं हुआ था, लेकिन आप उसी ज्योमेट्री को आप मैथमेटिक्स समझ लीजिए। तो उसने कहा वही तो गुड है संसार में, इससे भी बड़ा गुड कोई है। खैर जैसे तैसे बात खत्म हुई। दूसरे दिन जैसे ही अपना स्कूल खोला, पहले गेट पर लिखवा दिया जो ज्योमेट्री नहीं जानता वो उसके अंदर प्रवेश न करे। लोग बहुत और नाराज हो गए, तो ये क्या हो गया कि भाई जो ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री में कौन ऐसी खास बात है, जो ज्योमेट्री नहीं जानता वो एंटर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ क्यों है। लेकिन कोई जवाब भीड़ में कौन जवाब देता है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तब जो वो खुद उसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं इसलिए कि उसके पास मस्तिष्क है, एक विकसित मस्तिष्क है, वो अन्य जीवों में नहीं है उसके पास। और जो ज्योमेट्री है वो माइंड का रिफाइनमेंट करती है, तो रिफाइंड माइंड की हर व्यक्ति को जरूरत है। जिसका माइंड रिफाइंड नहीं होगा हमारी बातों को कैसे समझेगा। इसलिए मैंने लिखा कि जो ज्योमेट्री नहीं आता इसके अंदर प्रवेश और उसके बाद आगे ऐड किया ज्योमेट्री हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और उसको तो जरूर ही पढ़नी चाहिए जिसको देश का नेतृत्व करना, जिसको देश का नेतृत्व करना हो उसको तो निश्चित रूप से ज्योमेट्री पढ़नी चाहिए। और ये इतिहास में आता है कि जब अब्राहम लिंकन 40 वर्ष की उम्र में जब उनको देश का नेतृत्व करने की बात सोची तो उनके दिमाग में वो प्लेटो की बात याद आई और 40 ईयर्स की एज में उन्होंने न्यूटन की जो एलिमेंट बुक थी उसका उसने बहुत सारे पार्ट्स में मास्टरी की। वो कहते हैं एक दिन हमको प्रिंट करना था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या प्रिंट करूँ और तो इस पर मैं बहुत परेशान था। बाद में हमको प्रिंटर की बात याद आई कि ज्योमेट्री माइंड का रिफाइनमेंट करता है। मैंने ये एलिमेंट के पन्नों को पलटना शुरू किया और कुछ ही देर में मुझे ये आकर कर गया कि किस तरह से हमको प्रिंट करना, ये प्रॉब्लम निकल गई।
तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो ज्योमेट्री और ज्योमेट्री नहीं मतलब आज तो उसको मैथमेटिक्स मानिए क्योंकि ज्योमेट्री तो इसलिए कि मैथमेटिक्स वर्ड प्रचलित नहीं था लेकिन वो मैथमेटिक्स ही था तो मैथमेटिक्स हर व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है आज भी जरूरी है और अगर ध्यान दें तो हर सब्जेक्ट में अब मैथमेटिक्स की उपयोगिता दिखने लगी है और जैसे जैसे समय बीत रहा है और इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है जो बायोलॉजी जिसके विषय में हम लोग सोचते थे ये गणित से कुछ अलग विषय है आज उसमें इतनी मैथमेटिक्स आ गई है और विभिन्न विषयों में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में गणित जा रही है और वह दिन दूर नहीं जब ज्ञान के सभी ज्ञान के क्षेत्रों में गणित का दखल बढ़ जाएगा और मेरे दृष्टि में क्योंकि समय कम है इसलिए मैं यही बंद करता हूँ इसको और मेरी दृष्टि में गणित जो है वो वस्तुतः सर्व ज्ञान की आत्मा है प्रोफेसर पांडे का बहुत ही रोचक भाषण